हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड हेल्थ टिप में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक हम सबों को आता है लेकिन हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम चालू करते हैं हमारा ये टॉपिक। जनरली हम लोग हैंड वॉश करते हैं लेकिन हैंड वॉश करने का तरीका कुछ हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब भी आप हैंड वॉश करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहला जो ऑप्शन अवेलेबल ये है कि जब आप हैंड वॉश करते हैं तो आप सोप या सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। आप हैंड वॉश करने के लिए सोप यूज़ करते हैं और उसे सोप से हम हाथ धोते हैं, तो कम से कम हमें 20 सेकंड तक उसे हाथ धोना चाहिए ताकि आपके सारे जर्म्स निकल जाएं, क्योंकि हम जनरली 5 से 6 सेकंड लगाते हैं हमारे हैंड वॉश के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम नहीं चलते हुए भी हमें कम से कम 20 सेकंड तक उसको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इसे तौलिए से पोंछ देते हैं। तौलिए में पहले से ही जर्म होते हैं जो कि ये कोई यूज़ करता है, और आप उसको वापस यूज़ करते हैं तो वो जर्म्स वापस आपके हाथों में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन ये करना है कि उसको आपको सुखाना है। सुखाने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर अपने हाथों को मलिएगा तो वो अपने आप ही सूख जाएंगे, या आपके पास में अगर ड्रायर हो तो ड्रायर से आप सुखा सकते हैं। तो हाथों को आपको थोड़ी देर बाद सुखाने के बाद ही पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये होता है कि वहाँ पे इस तरीके के ड्रायर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हाथ अपने आप सूख जाते हैं। और अगर आप ज़्यादातर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, या एक टॉवल अपना ऐसा रखें या एक हैंकरचीफ अपना ऐसा रखें कि आप उससे अपने हाथ ही पोंछें और आप दूसरे को किसी को उसे ना दें। सेकंड चीज़ जब होती है जब हम पब्लिक टॉयलेट में होते हैं। पब्लिक टॉयलेट में हम जनरली यूज़ करते हैं सोप डिस्पेंसर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर जना हाथ प्रॉपर्ली धोता नहीं है, तो उसमें हैंडल्स पे, बार्स पे, हर जगह गंदे हाथ लग जाते हैं। तो उस गंदे हाथ को आप वापस यूज़ करेंगे, सोप यूज़ करेंगे और वापस आप अपने हाथ सुखाएंगे और आप जाएंगे तो वो जर्म्स हर जगह फैल जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो आप पेपर सोप यूज़ करें। पेपर सोप में आप जब पेपर सोप यूज़ करेंगे तो आपको के कीटाणु कहीं और ट्रांसफ़र ना होंगे, तो ये आप यूज़ में ले सकते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि बच्चे खाना खाते हैं और हैंड वॉश नहीं करते हैं और चले जाते हैं, या टॉयलेट जाते हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं, चले जाते हैं। 95% जो आपके टॉयलेट होता है, जो आपकी टॉयलेट सीट होती है, ज़्यादातर हम लोग वेस्टर्न ही यूज़ करते हैं, तो उसमें 95% तक जर्म्स रहते हैं। तो अगर वो जर्म्स आप देख लीजिए, अगर आपने हैंड सिंपल वॉश किए तो वो जर्म्स आपके बॉडी में रहेंगे, मतलब आपके हाथ में रहेंगे और उसके बाद वो खाने में चले जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों को हैंड वॉश कराना है प्रॉपर ढंग से, ताकि उनका जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे और जर्म्स उनकी बॉडी में ना जाए। और आपको भी विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप टॉयलेट करने भी जाएं तो आप हैंड वॉश करें प्रॉपर वे में, और 20 सेकंड मिनिमम क्राइटेरिया है उसको यूज़ में लें, और सैनिटाइज़र या जो भी आप सोप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करें, लेकिन जर्म्स का ध्यान रखें, जर्म्स आपकी बॉडी में ना आए। तो ये कुछ सिंपल सी टिप्स थी जो कि आप यूज़ में ले सकते हैं ताकि आप रहें एनर्जेटिक, फ्री ऑफ डिजीजेस। हम ये आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर वीडियो हर संडे चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन बार को भी क्लिक कर सकते हैं। आपकी कोई तकलीफ़ या समस्या है तो आप हमें हमारे चैनल में दिए गए नंबर पर भी आप हमें उसको लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम उस पर, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम उस पर भी आपको वीडियो बना के देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।